डॉक्टर मान सिंह सह आचार्य भूगोल राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू। आज का विषय है वेगनर महोदय का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। वेगनर महोदय एक जर्मन भूगर्भ शास्त्रवेता, वनस्पति शास्त्रवेता, भूगोलवेता था। महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित वेगनर महोदय ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें वेगनर महोदय ने कार्बोनिफेरस युग के प्रारंभिक समय में पेंजिया के विभाजन का उल्लेख किया। जैसे ही पेंजिया का विभाजन हुआ, उसके बाद में पेंजिया के विभाजन के बाद में महाद्वीप अलग अलग दिशाओं में स्थानांतरित हुए। वेगनर महोदय ने महाद्वीपीय विस्थापन के लिए दो बलों को उत्तरदायी माना है, जिसमें प्रथम बल गुरुत्व बल व पलवनशीलता का बल दूसरा ज्वारीय बल वेगनर महोदय ने कार्बोनिफेरस युग के अंतिम समय में गुरुत्व बल एवं पलवनशीलता के बल के कारण से पेंजिया का विभाजन माना, और इस विभाजन के कारण से पेंजिया के उत्तरी भाग में लॉरेशिया या अंगारलैंड का निर्माण हुआ तथा दक्षिणी भाग में गोंडवानालैंड का निर्माण हुआ तथा इन दोनों के बीच में टैथिस सागर का निर्माण हुआ, जिसे वेगनर महोदय ने टैथिस का खुलना के नाम से जाना। टैथिस का खुलना, गुरुत्व बल और पलवनशीलता के बल के कारण से महाद्वीपों का विस्थापन तत्कालीन भूमध्य रेखा की ओर हुआ। तत्कालीन भूमध्य रेखा टर्शियरी युग में हिमालय और आल्प पर्वतीय प्रदेशों से होकर के गुजरती थी, अतः इसी बल के कारण से प्रायद्वीपीय भारत इस टैथिस सागर की ओर स्थानांतरित हुआ। और जैसे ही ये स्थानांतरित हुआ, इसके स्थानांतरण के कारण से हिंद महासागर का निर्माण हुआ। दूसरा बल ज्वारीय बल, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ गति करती है अपने अक्ष पर। इस गति के कारण से जैसे ही पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ गति करती है, चंद्रमा एवं सूर्य के गुरुत्व बल के कारण से इन पर इस परिभ्रमण के समय रगड़ का काम करती है। और जैसे ही ज्वारीय बल के कारण से रगड़ का काम होता है, उस समय महाद्वीपीय भाग पीछे छूट जाते हैं। और जैसे ही महाद्वीपीय भाग पीछे छूट जाते हैं, उसके कारण से महाद्वीपीय भाग पश्चिम की तरफ स्थापित होना प्रारंभ हो जाता है। अतः दो बल वेगनर महोदय ने महाद्वीपों के विस्थापन के लिए माने, गुरुत्व बल जिसके कारण से महाद्वीपों का विस्थापन उत्तर की तरफ या तत्कालीन भूमध्य रेखा की तरफ हुआ है। दूसरा ज्वारीय बल, ज्वारीय रगड़ के कारण से महाद्वीप पश्चिम की तरफ स्थानांतरित हुए। इसके बाद में हम इन बलों के कारण से महाद्वीपों का विस्थापन किस रूप में हुआ है, उसको देखना हमारे लिए आवश्यक है। जैसे ही कार्बोनिफेरस युग, जो वर्तमान से 35 करोड़ से 27 करोड़ वर्ष पूर्व था, उस समय गुरुत्व बल और पलवनशीलता के बल के कारण से पेंजिया का विभाजन हुआ। उस विभाजन होने के कारण से उसके बीच में टैथिस सागर
बना, जिसे वेगनर ने 33 का खुलने के रूप में जानते हैं। जुरैसिक युग में वेगनर महोदय गोंडवाना लैंड का विभाजन माना, जिसके कारण से प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, अमेरिका, महाद्वीप पश्चिम की तरफ टूटकर विस्थापित हुए। इसी दौरान उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका पश्चिम की तरफ विस्थापित हो रहे थे। उस समय इन दोनों महाद्वीपों की असमान गति के कारण से अटलांटिक महासागर का आकार अंग्रेजी अक्षर एस के समान हो गया। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने योग्य है, जैसे ही प्रायद्वीपीय भारत गुरुत्व बल और पलनशीलता के बल के कारण से तत्कालीन भूमध्य रेखा की तरफ विस्थापित हो रहा था, उस समय भारतीय भूभाग उत्तर की तरफ खिसकने के कारण से हिंद महासागर का निर्माण हुआ। इसी समय पेंजिया के चारों तरफ पेंथालासा महासागर था। पेंजिया से विभिन्न महाद्वीप टूट करके अलग अलग दिशाओं में विस्थापित हुए, और जैसे ही अलग अलग दिशाओं में विस्थापित हुए, उस विस्थापन के कारण से पेंथालासा महासागर का आकार कम हुआ, और जो शेष बचा हुआ जो पेंथालासा है आज वर्तमान समय में प्रशांत महासागर के रूप में विद्यमान है। वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को समझने के लिए एक सारणी को समझना हमारे लिए आवश्यक है। युग उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा, प्रथम युग के रूप में सिल्यूरियन युग जो वर्तमान से 44 करोड़ से 40 करोड़ वर्ष पूर्व था, दूसरे युग को कार्बोनिफेरस युग को लिया है जो वर्तमान से 35 करोड़ वर्ष पूर्व से 27 करोड़ वर्ष पूर्व था, तीसरे युग के रूप में टर्शियरी युग को लिया है जो वर्तमान से 7 करोड़ वर्ष पूर्व से 10 लाख वर्ष पूर्व था। सिल्यूरियन युग में उत्तरी ध्रुव 14 डिग्री नॉर्थ 124 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर था। कार्बोनिफेरस युग में उत्तरी ध्रुव 16 डिग्री नॉर्थ 147 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर था, तथा टर्शियरी युग में 51 डिग्री नॉर्थ तथा 153 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर था। दक्षिणी ध्रुव सिल्यूरियन युग में मेडागास्कर के उत्तर पूर्व में था। उत्तर पूर्व में स्थित था, कार्बोनिफेरस में डरबन के पास था, दक्षिण अफ्रीका में नेटाल में डरबन के पास, तथा टर्शियरी युग में दक्षिणी अफ्रीका के पास 53 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर था, 53 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर था। यदि इन युगों में भूमध्य रेखा की स्थिति को माने तो सिल्यूरियन युग में भूमध्य रेखा नार्वे से होकर गुजर रही थी, नार्वे से होकर कार्बोनिफेरस युग में मध्य यूरोप से होकर के भूमध्य रेखा गुजर रही थी, तथा टर्शियरी युग में आल्प्स और हिमालय पर्वत से होकर के गुजर रही थी। आल्प्स और हिमालय पर्वत। इस सारणी से यह स्पष्ट हो रहा है कि अलग अलग युगों में उत्तरी ध्रुव की स्थिति में परिवर्तन हुआ है, दक्षिणी ध्रुव की स्थिति में परिवर्तन हुआ है, भूमध्य रेखा की स्थिति में परिवर्तन हुआ है, जो इस बात को इंगित कर रहे हैं कि महाद्वीपों का विस्थापन किस रूप में हुआ है। सिल्यूरियन युग में देखें तो उत्तरी ध्रुव 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 124 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर था, तथा दक्षिणी ध्रुव
मेडागास्कर के उत्तर पूर्व में था, तब भूमध्य रेखा नॉर्वे से होकर गुजर रही थी। यदि कार्बोनिफेरस युग जो आज से 35 करोड़ से 27 करोड़ वर्ष पूर्व था, उत्तरी ध्रुव 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर तथा 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 147 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर था, दक्षिणी ध्रुव डरबन के पास था, तब भूमध्य रेखा उस समय मध्य यूरोप से होकर गुजर रही थी। यदि हम टर्शियरी युग को देखें जो आज से 7 करोड़ वर्ष पूर्व से 10 लाख वर्ष पूर्व के मध्य था, उत्तरी ध्रुव 51 डिग्री उत्तरी अक्षांश था, 153 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थित था, दक्षिणी ध्रुव 53 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिण में था तथा भूमध्य रेखा उस समय आल्प्स तथा हिमालय पर्वतीय प्रदेशों से होकर के गुजर रही थी। ये सभी इस बात को इंगित कर रहे हैं कि महाद्वीपों का विस्थापन किस रूप में कैसे हुआ। इसके बाद में यदि हम वेगनर ने पर्वतों की उत्पत्ति के बारे में भी अपने सिद्धांत में उल्लेख किया है, जब हम वेगनर के महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत में पर्वतों की उत्पत्ति को देखते हैं तो हमें वेगनर महोदय की कुछ विरोधाभासी बातें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। पर्वत उत्पत्ति यहाँ पर जब वेगनर महोदय महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति का उल्लेख करता है उस समय यह मानता है कि सियाल पर सीमा पर स्वतंत्र रूप से तैर रही है, लेकिन जैसे ही वह पर्वतों की उत्पत्ति का उल्लेख करता है उस समय यह कह रहा है कि सियाल पर सीमा पर स्वतंत्र रूप से जब तैरती है उस समय सीमा द्वारा अवरोध डालने के कारण से महाद्वीपों के पश्चिमी तट वलित हो जाते हैं, और जैसे ही पश्चिमी तट वलित हो जाते हैं उसके कारण से उसमें मोड़ पड़ जाते हैं, और जैसे ही मोड़ पड़ जाते हैं तो उसके कारण से पर्वतों का निर्माण हो जाता है। जैसे दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट वलित होने के कारण से एंडीज पर्वतमाला की उत्पत्ति हुई, तथा उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी किनारे वलित होने से रॉकीज पर्वतमाला की उत्पत्ति हुई। यहाँ पर वेगनर महोदय विरोधाभासी बातें कर रहा है। महाद्वीपों की उत्पत्ति के लिए की जब चर्चा होती है उस समय वह स्पष्ट रूप से कहता है कि सियाल पर सीमा पर स्वतंत्र रूप से तैर रही है, लेकिन जैसे ही वह पर्वतों की उत्पत्ति का उल्लेख करता है उस समय कह रहा है कि सीमा पर द्वारा अवरोध डालने के कारण से पर्वतों की उत्पत्ति हुई है। यदि हम वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की अच्छाइयों को देखें तो हमारे सामने अच्छाइयों के साथ साथ कुछ कमियां भी दिखाई देती हैं जिसे हम आलोचना के रूप में देख सकते हैं। आलोचना में जो सबसे बड़ी इसकी आलोचना की जाती है कि महाद्वीपों का विस्थापन के लिए जिस बल को माना है, क्या ज्वारीय बल और गुरुत्व बल के कारण से इतने बड़े बड़े महाद्वीपों का विस्थापन हो सकता है? इन्हीं बलों के ऊपर सामान्य रूप से सामान्य आदमी क्वेश्चन मार्क लगाता है। दूसरा बल प्रयुक्त बल, पहली आसना प्रयुक्त बल के लिए की जाती है कि इतनी बड़े बड़े महाद्वीपों का विस्थापन ज्वारीय बल या गुरुत्व बल से हो सकता है। दूसरा विरोधाभासी बातें करना, जैसे पर्वतों की महाद्वीपों की उत्पत्ति का उल्लेख करता है उस समय वह कहता है कि उस समय कहता है कि सियाल पर सीमा पर स्वतंत्र रूप से तैर रही है, लेकिन जैसे ही पर्वतों की उत्पत्ति का उल्लेख करता है उस समय वह ये कहता है कि सीमा पर द्वारा अवरोध डालने से पर्वतों की उत्पत्ति हुई है। तीसरा कार्बोनिफेरस के अंतिम युग में पेंजिया विभाजन से पूर्व कौन से बल के द्वारा पेंजिया महाद्वीप एक जगह पर विद्यमान था? यहां पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि जब वेगनर महोदय ने जब महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया उस समय महाद्वीप स्थिरता सिद्धांत था। उस समय जैसे ही महाद्वीपों के विस्थापन की बात कही तो वेगनर महोदय को यूरोप में एक पागल की संज्ञा दी गई, लेकिन सन 1960 में जैसे ही प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत सामने आया, जैसे सागर नितल का सिद्धांत सामने आया, उस समय वेगनर महोदय ने प्लेट टेक्टोनिक और सागर नितल से संबंधित जो सिद्धांत थी उनकी मूल बातों को अपने सिद्धांत में पहले से उल्लेखित किया कर दिया था, तो उस समय वेगनर महोदय की भूरी भूरी प्रशंसा हुई।